जनपद हरिद्वार में सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, जिसके चलते भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत ही एसडीजी एपी अंशुमन द्वारा सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। साथ ही बैठक में पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। ये सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस दिन में स्नान पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसके दृष्टिगत ही हमने पुलिस की जो भी तैयारी होती है उस तैयारी को सुनिश्चित किया है। इस संबंध उसको सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके कुशल अधिकारी के नेतृत्व में हम पुलिस बल को तैनात करते हैं। इसमें तमाम तरह के जो हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको भी लगाते हैं, जैसे BDS की टीम होती है, अन्य ATS की टीम वगैरह होती है, ये सभी इसमें लगाई जाती है। तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं हम उसके अनुरूप करेंगे। हाँ, ट्रैफिक के संबंध में भी व्यापक व्यवस्था की गई है। रास्तों से जो आने वाली भीड़ होती है उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। जितने भी पार्किंग स्थल है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि किन पार्किंग स्थल में कितनी कैपेसिटी है और किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, वो सब आइडेंटिफाई कर लिया है। सभी मतलब एडिशनल SP के नेतृत्व में हमने सुपर जोन रखा है, बाकी डिप्टी SP हमारे रहेंगे, सफिशियंट नंबर में इंस्पेक्टर्स रहेंगे, सब इंस्पेक्टर्स रहेंगे और तमाम हमारे पुलिस बल के कर्मचारी रहेंगे।